अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। तारा वेलकम बैक, नई सुबह, नए मेहमान और नए मेहमानों के साथ नई बातें, नई कचहरी, नई गपशप। और कौन कहाँ से बिलोंग करता है, क्या पैशन है और क्या ज़िंदगी में चल रहा है टिकटॉक के अलावा, क्योंकि आपको पता है मोस्टली गेस्ट होते ही टिकटॉक के स्टार हैं और कोई टैलेंटेड होता है न्यू टिकटॉक पे भी आता है। आज भी हमारे साथ टिकटॉकर्स भी हैं और ज़िंदगी के बारे में ही पूछेंगे, भाई ज़िंदगी में कौन क्या करता है टिकटॉक के अलावा। गाइज वेलकम करते हैं अपने शो पे टीटी ज़्यादा और आशिक भट्टी को। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप मुझे लग रहा है जंग के लिए तैयार हुए हैं, लड़ना है, मारना है, किसी को खूब पीटना है। बचपन से बदमाश वाला शौक। किसी को मारते तो नहीं हो वाकई? नहीं नहीं नहीं, बिना वजह कौन किसी को मारता है? आगे से मार पिटती भी है, जाहिर सी बात है, जो लड़ेगा फिर मार भी तो खाएगा। हाँ भाई, आप बताएं दादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली मदद। मौला अली मदद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ओके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके भाई, दादा आशिक से पूछते हैं। अच्छा, हम सब दादा बोलते हैं क्योंकि हमारे एक मीडिया में एक नया नाम दे दिया गया है, मीडिया टू मीडिया पर्सन को दादा बोला जाता है और दादा लुक वाइज भी लगते हैं। मोहब्बत से बोलते हैं, जैसे आप मोहब्बत से बोल रहे हैं। तो दादा आशिक से पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में बोरिंग चल रही है, और क्या, बिल्कुल अभी जैसे कि मेरा मोबाइल की शॉप है और बिल्कुल मीडिया तो आप जो है मोबाइल की शॉप के बाद भी बोर हैं? बोर है, कारोबार नहीं होगा तो बंदा बोर ही होगा। नहीं है कारोबार, हालात ऐसे हैं कि कारोबार बिल्कुल नहीं है, ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठप पड़ा हो। तो क्यों, बस क्या करें, हम यही चाहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके कहीं कारोबार करें, पाकिस्तान में भी वो मज़ा नहीं रहा। यार ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना मुल्क है, अपना वतन, इंसान कैसे छोड़ सकता है? वो है, लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अपना हालात आप देखो कि अभी बाहर जाने का मन कर रहा है हमारा कि बाहर जाके हम कारोबार अपना करें। तो कब इरादा है मूव करने का? इंशाल्लाह कुछ महीनों में। कुछ महीनों में? जी बिल्कुल। तो भाई और टिकटॉक ऐप के बारे में, उसको भी बाहर मूव कर लेंगे साथ जाकर? हाँ, उसको तो बिल्कुल बाहर मूव कर लेंगे, हर चीज को बाहर मूव करना है ना। ठीक हो गया भाई। टीटी ज्यादा से पूछते हैं, इनका नाम पहले टीटी ज्यादा किसने रखा? टीटी ज्यादा वालिद ने रखा था बचपन में। बचपन में क्यों? बाबा को पता था कि ये बचपन में इसके जो गट्स हैं ये बदमाश वाले हैं? नहीं, वैसे ही वालिद ने प्यार से रखा था। अच्छा, तो अभी सब आपको टीटी ज्यादा बोलते हैं? मतलब गली में, इलाकों में टीटी ज्यादा बोलते हैं, घर पे यासिर बोलते हैं। घर पे टीटी ज्यादा नहीं चलता, घर पे कोई कुछ नहीं चलता, घर पे जो है ना अलग ही वो इज्जत होती है। वो मुझसे पूछे, मैं तो रोजाना कैमरे के सामने बोलती हूँ तो मैं सबकी फीलिंग समझती हूँ। जो आके बोलते हैं ना यहाँ पे हम घर में दलेर हैं, मैं कहती हूँ कोई दलेर नहीं है, कोई शेर नहीं है घर में, तो सब जो है अम्मा अब्बा के आगे जो है ऐसा ही है। अच्छे के आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बाप के सामने खड़े होते हैं तो फिर बाप तो जो है ना सबका एक आइडियल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये पूछूंगी आपसे, टिकटॉक ऐप कब से, क्या म्यूजिकली से चला रहा हूँ? जब से म्यूजिकली था, अच्छा चलाता था, तो फिर छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद जब टिकटॉक हुआ ना, जब उसका नाम चेंज हुआ, उस टाइम से मैं चला रहा हूँ। तो मेरे 4 अकाउंट बैंड हो चुके हैं, मतलब लोग रिपोर्ट्स मारते हैं। मेरी वीडियोस, मतलब मेरे साउंड चलने लग गए थे, मैं अपनी वॉइस में बनाता था। कौन सा फर्स्ट ऐसा साउंड था जो कितना वायरल गया था और क्या था साउंड? वो साउंड था, मतलब एक शेर ही था, 2 लाख लोगों ने उस पर वीडियोज बनाई हुई है। वो जैसे ही वो वायरल हुआ तो उसने मेरा अकाउंट बैंड हो गया था। क्या साउंड था? साउंड था खुशी हैरत से देखता है जमाना में, जब हम अपनी मौज में आते हैं। क्या बात है। दूसरा साउंड क्या था? दूसरा साउंड है, जिस दिन अपना इक्का चलेगा उस दिन बादशाह, तो क्या बादशाह का बाप भी अपना गुलाम बनेगा। आहा, ये रिपीट करें जिस तरह स्टाइल में आपने बोला। जिस दिन अपना इक्का चलेगा उस दिन बादशाह, तो क्या बादशाह का बाप भी अपना गुलाम बनेगा। क्या बात, जियो करे, जियो करे, हम बोलते हैं जियो करे। तो इस पे 2 लाख वीडियोस बनी? हाँ, पहले साउंड पे 2 लाख बनी, फिर दूसरी आईडी बनाई, उसमें मैंने ये साउंड डाला। इस साउंड के बाद मेरी आईडी दूसरी भी बैंड हो गई थी। इस पे बड़े बड़े टिकटॉकरों ने भी बनाई, आलमगीर खान, अली जट और भी बहुत सारे थे। इस पे तकरीबन 30,000 वीडियोस बन चुकी थी, उस टाइम मेरा अकाउंट बैंड हो गया। तो रिपोर्ट्स करने की वजह, जैसे एक इंसान तरक्की पे जा रहा होता है तो फिर उसको गिराने की लोग बहुत सोचते हैं, बर्दाश्त नहीं करते ना, बर्दाश्त नहीं, इधर तो अक्सर हजम नहीं होती, हर कोई यही सोचता है कि मैं आगे जाऊं। ये कराची है, आता है कार में, जाता है सुबह के अखबार में। अच्छा, आप भी शायरी करते हैं? हम भी शेर व शायरी करते हैं, तो आपके लिए भी शेर व शायरी बोली हमने
अपना ऊपर चढ़ाइए नीचे उतराइए, ऊपर चढ़ाइए नीचे उतराइए, करची से खबर आई है दादा तारा ने तबाही मचाई। क्या बात है, क्या बात है जियो। तो आप भी कोई शेर सुना दें, शेरों की अब दुनिया में फिर लगी पड़ी है। शेर हो जाए, मैं थोड़ी सेट होके बैठू ना। हाँ, शेर दादा तारा। क्यों दादा, मैं मारती हूँ लोगों को, मेरा नाम भी दादा रख दिया। हाँ बिल्कुल, आपको भी प्यार से हम दादा बुलाते हैं। दादा तारा वो कहते हैं कि हमारी तकदीर देख के रास्ता मत बदल लेना, हम दिल के बादशाह हैं, बाकी मुकद्दर तो खुदा लिखता है। जियो जियो। ये क्या बात है, मुझे लग रहा है कि दोनों जो है फुल जोश में आए हैं आज। बिल्कुल जोश में आए हैं। तो अभी आप इसके शेर में जवाब दें, कोई शेर। शेर में कोई जवाब, हमारे उस्ताद है ये, हमारे उस्ताद है, जो बात है हम सीधी बोलेंगे। अच्छा हाँ, इसी की शेरों का नकल करते हैं। नकल करते हैं, और कोई आप अपना शेर और बताएं, कौन सा और बताया लिखा है। मैंने तो लिखा हुआ है कि आप ये अपना आपके लिए अब लिखा हुआ, आपके सिटी के लिए लिखा हुआ है। तो तेरी खुशी के खातिर मैंने कितने गम छुपाए, तेरी खुशी के खातिर मैंने कितने गम छुपाए, अगर मैं हर बार होता ना तुम्हारा कराची शहर डूब जाता। क्या बात है, ये भी अच्छा था। तो आप मुझे ये बताएं, फेवरेट टिकटॉक पहले ये बताएं, देख के किसको बनाना शुरू किया आपने। हमने देख के पहले किसको बनाना शुरू किया, अल्लाह तुम्हारा भला करे कि जन्नत मिर्ज़ा आई थी शुरू में। अरे ये तो टॉप क्लास का नाम लेके बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले सामने हमारे को वही कोई लड़की, लड़के का नाम लो, लड़की को देख के तुम्हें। अभी जो जिसको चॉइस करता हूँ, जो हमारा सिंधी टिकटॉकर है शान शर है, जिसको मैं चॉइस करता हूँ। मैं अगेन ये बात कहूंगी, शान शर का जो भाई है इमरान शर, वो मेरे बहुत अच्छे हैं कॉन्टेक्स्ट में, और रिसेंट उनकी बर्थडे भी हमने साथ सेलिब्रेट की थी। जैसे अभी ये हमारा दोस्त है फरहान बलोच साहब, मैंने इंशाल्लाह शान शर को इनवाइट किया है, बहुत जल्दी आएंगे हमारे। बहुत सारे टिकटॉकर के साथ मिला हूँ, फरहान बलोच के पास गया हूँ, उसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किए, बहुत अच्छी इज्जत दी है, तो अल्लाह उसको और कामयाब करे। आमीन। और आप वीडियो बनाते रहे, अल्लाह आपको देगा। तो ये अकाउंट बंद होते रहते हैं हमारे। आप बताएं, आप किसको देख के टिकटॉक ऐप पे शुरू हुए। मैंने किसी को देखा नहीं, बचपन से ही फेम होने का बहुत शौक था, जैसे मूवी देख के ना, इसलिए तो हरामी बन करता, तो इसीलिए थोड़ा उसी टाइप की वीडियो बनाता हूँ। तो अच्छा, ये तो ऐसे ही शौक था। अच्छा अच्छा, आशिक मुझे ये बताएं, फेवरेट टिकटॉकर आपका अभी रिसेंट कौन है, शानशर गर्ल्स में। अक्सा कीजर जमाल। मुलाकात हुई है उनसे? मुलाकात नहीं हुई है, इंशाल्लाह आपके जरिए वो भी मुलाकात हो जाएगी। तुम लोग सब मेरे जरिए क्यों मिलना चाह रहे हो? क्योंकि आप हमारे दादा हैं। अच्छा बिल्कुल। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? एमके खलीफा। अच्छा गर्ल्स में? गर्ल्स में कोई नहीं, सोचो सोचो। देख मैं खाली उनकी वीडियो देखता हूं बस। गर्ल की आती है तो ऊपर कर देते हो? ये सिर्फ एटीट्यूड वाली वीडियोस देखते हैं। हां एटीट्यूड वाली बात। अच्छा ये भी अच्छा है कि गर्ल्स पसंद नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वीडियोस नहीं पसंद। हम भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप भी टिकटॉक बनाते हैं तो टिकटॉक की दुनिया में छाए हुए हैं, तो आपको कौन सा टिकटॉकर पसंद आया, गर्ल्स में हो गया बॉयज में हो गया? बॉयज में तो कोई भी नहीं है जी, क्योंकि मुझे बस उस बॉयज की मैं टिकटॉक लाइक नहीं करती जी। बिल्कुल हैं, काफी दोस्त बनाते हैं वो, मतलब अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई खास नहीं है। और गर्ल्स में जो है कोई नहीं है, एक सिंगर फाइजा अली है। उसको तो हम सिंगिंग में लाइक जब से कर रहे हैं, जब से मैं 10 साल का था तब से उसको सुनता हुआ आ रहा हूँ, सिंगर। अच्छा हम पहले सिंगिंग करते थे, उसके बाद अभी माशाल्लाह कवाली वगैरह भी करती है, तो अभी और ज्यादा। एक है सिंध में फाइजा अली है, मेरी बहनों की तरह है, छोटी आपको ही पता है, छोटी है मुझसे, तो वो मैं उसको उसकी टिकटॉक लाइक करती हूँ क्योंकि वो अच्छी बनाती है तो वो सिंगर, लेकिन टिकटॉक पर मैं उसको अच्छा लाइक करती हूँ। और दूसरी जो है सनम मारवी। अदी की वीडियोस मैं इसलिए लाइक करती हूँ, अदी का कभी घर बन रहा होता है, कभी कहाँ बन रहा होता है, तो अदी कुछ भी नहीं देखती, अदी बस बनाया अपलोड। सिंगिंग जो सुनने के लिए ना, सनम मारवी की सिंगिंग जो है सुनने के लायक है, सूफी है, हर महफिल में सुन सकता है, बच्चों में सुन सकता है, जगह भी सुन सकता है। अदी की जो सिंगिंग है, मैं कहती हूँ अदी लेजेंड है, और मैडम आपदा परवीन जिसकी उस्ताद हो तो वो तो लेजेंड होगी होंगी। और दूसरी बात ये, अदी की उस्ताद मैडम आपदा परवीन, और मैं अदी कहती हूँ मुझे उस्ताद बनाएं, जब कराची आए मुझे एक धागा बांध दें, फिर पता नहीं कब वो हो, मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, बहुत गाइड भी करती हैं, माँ की जगह पर भी हैं, मुझे समझाती भी हैं, रोकती भी हैं, बेटा ये सही है ये सही है, तो मतलब उनकी कोई मिसाल नहीं है। बिल्कुल मिसाल। और उनके जब कलाम सुनते हैं तो बड़े डीप होते हैं,
लाइफ के बारे में लिखा होता है। आजकल के सॉन्ग्स तो हैं, सब सुनते हैं, हर सॉन्ग्स हर किस्म के हैं, लेकिन जो कवालियों में मज़ा है ना सूफीज़म में, लेकिन उनको उनके सॉन्ग को भी थोड़ा समझना चाहिए, उसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। ऐसा ही है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसकी सिंगिंग को पसंद आ जाए और समझ सके वो लोग। ऐसा ही है। तो खैर अदी को फिर मैं जब भी अदी का जिक्र होता है मैं दावत देती हूँ, अदी जब भी कराची आना हो, फिलहाल तो वो लंदन, अभी अभी बात हुई है लंदन की फ्लाइट पे शू हुई है भाई, 14 आप हमारी दावत अटेंड नहीं करोगे अदी भी आपकी नहीं करेगी इंशाल्लाह। नहीं मैं आऊंगी, दुआ करते हैं मैं आऊंगी 14 अगस्त, आप यहीं से जैसे 200 मीटर पे भी नहीं है मेरा घर। 14 अगस्त जो है अदी मनाने गई हैं लंदन में, वहाँ पे इवेंट है 14 अगस्त का, और बस पता नहीं अब वहाँ से वापसी कराची ही आएंगी तो फिर हमारी मुलाकात होगी शो पे अदी के साथ भी, और काफ़ी महफिल लगाएंगे यहाँ पे कवाली की इंशाल्लाह। तो भाई अब वापस अगर अपने टॉपिक पर आएँ तो ये फेवरेट टिकटॉकर भी हो गया, फेवरेट सिंगर भी हो गया, लेकिन आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसको पसंद करते हैं, किसको फॉलो किसको करते हैं, हम आइडियल कौन है? हम अपने आप को फॉलो करते हैं। हाँ, शौक रखते नहीं किसी को फॉलो करने का भी, हम ऐसे हो गए हम अपने आप को खुद को फॉलो करते हैं। शौक रखना भी नहीं चाहिए, शौक ऐसे रखो लोग आपको फॉलो करें, आप किसी को नहीं। सेम सही बोला है, सोच लो थोड़ा, मैंने पक्की बात है गलती तो नहीं की। ओके हो गया भाई, तो ऐसा ही है ज़िंदगी है, ज़िंदगी में खैर आइडियल्स होते हैं, मेरा सबका आइडियल शायद उसकी पेरेंट्स होते हैं, और जैसा कि मैं खुद अपने बाबा साईं को फॉलो करती हूँ, उनके मैं दुनिया के लिए हीरो हूँ लेकिन उनके लिए मैं ज़ीरो हूँ भाई, और इतने फैंस हैं लेकिन जब हम उनके सामने जाते हैं ना हाँ बाबा, तो वो बड़ा एक अलग होता है, हम अपने आप को बहुत ज़ीरो समझ के ही जाते हैं। क्या कहो, एक और शेर है के फोटो लगाए थाने में नाम चलता है जमाने में, ये एक्स का, ये भी शेर भाई का है। आपका है? बिल्कुल। तो फोटो लगाए थाने में ऐसे तो क्या काम किए आपने जो जो है ना इसकी आईडी बैंड हुई है, ऐसे क्या काम किए कि थाने में फोटो लगने लग गए? शेर कराची के लिए, मतलब फोटो हाँ। लगी है थाने में नाम चलता है जमाने में, शेरों जैसा जिगरा चाहिए हम कराची वालों को हराने में। अच्छा क्या बात है, ये पोएट्री लिखते कहाँ से हो? यहाँ से खुद ही ज़हन में आ जाए, खुद ही ज़हन में आ जाते। ये तो बड़ा प्यारा अच्छा अच्छा टैलेंट है, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी इंशाल्लाह पुलिस में अप्लाई करेंगे, अभी तो NIC बनाया है तो अभी भर्तियाँ भी आई हुई, इंशाल्लाह अभी अप्लाई करूँगा मैं। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा और जान से सपोर्ट ही हम भी करेंगे आपको, कामयाबी अल्लाह दे। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अपना कारोबार। मैरिड है? बिल्कुल मैरिड है। ये मैंने बात जानबूझ के पूछी है कि ये दादा आशिक मैरिड है। मैं आपको इंस्टाग्रामर्स को सबको बता दूं जो जो लाइव बैठते हैं रोज़ाना एक एक घंटा दो दो घंटे, ये सब मैरिड हैं, और आप लोग थोड़ा जो है ना थोड़ा दूर रहें, दादा आशिक जो है बिल्कुल मैरिड है। मैं आपको आज लाइव क्लियर कर रही हूँ, किसी को क्लियरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लोग आके फिर मुझसे ये ना कहे कि आशिक भाई को जो है बोल रहे हैं शादी नहीं होगी। भाई बिल्कुल मैं मैरिड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वाइफ से मिलाऊंगा भी, दादा तारों को मुझे नहीं मिलाओ उनको मिलाओ जो लड़कियां हैं। मुझे तो वो वैसे सबको मिलाऊंगा मैं भाई, सबको मिलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं किसी को प्रपोज नहीं करता, सबको पता है। अभी ये जो शो के बाद तुम्हारे साथ होगा ना एक दो, तुम सबको क्लियर करोगे बैठकर, ये मैं जानती हूँ, क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना, ये बंदा एक मिनट फारिग नहीं बैठता, तभी मैंने लाइव इसकी पोल खोली है कि अभी ये शो के बाद शायद थोड़ी रश कम हो। नहीं नहीं रश वही रहेगी, वही भाई का शेयर था ना, ये मुझे लग रहा है कि ये मोबाइल की दुकान है ना, कुछ सीन ऐसा है, बस मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल समझती हो ना, तुम्हारा बिजनेस तभी तो नहीं चल रहा, तुम चला नहीं रहे। नहीं चला रहे हम, बिल्कुल शौक से चला रहे, तो हर किसी को टाइम देने पड़ता है, आप जैसे दोस्त आते हैं तो वो लाइव पे बुलाते तो उनको मोहब्बत, हम अपनी लाइव नहीं चलाते तो दूसरे की कमेंट में बैठते तो उठा लेते मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है कि ये आधी दुकान इसने गिफ्ट में खाली कर दी है लड़कियों के। नहीं नहीं गिफ्ट ये दिल में लग, मैंने बहुत सारे लिए हैं, ये तभी बता रहे, असल में मेरी चोरी हो गई है ना, वो कह रहा है कि ये भी डकैत ना ले जाएं कहीं, ये तभी लाइव मुझे बता रहा है कि पहले क्लियर कर दूं। हाँ, पहले क्लियर कर दूं ना। बस यार कितने छोटे दिल के हो, देखो मैं अपनी दोनों पोछें देख के बैठ गई हूँ। नहीं नहीं आपको और गिफ्ट दे देंगे, कोई मसला नहीं, आपको तो गिफ्ट मैंने आगे रखे थे लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। सही अदा, ऐसी बात नहीं है दादा, मैं इंशाल्लाह आऊँगी। गिफ्ट्स क्या है, इंसान की मोहब्बत इखलाक बहुत होता है, चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें, और पैसा वैसे भी मेरी नज़र में, मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरियात ज़िंदगी ज़रूर है लेकिन मायने नहीं रखता, क्योंकि रिश्ते बड़े अहम होते हैं, किसी भी रिश्ते को बनाओ तो उसको पैसे देख कर कंपेयर मत करो। बस मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ा, तो मैं वापस आती हूँ। क्या मैसेज देंगे अपने फैंस को आप? फैंस
क्या सारे मेरे हेटर ही हैं, फैन तो मत कर लो। हेटर्स को ही दे दें। हेटर्स को क्या दें, चलते रहे, मसला नहीं है इंशाल्लाह। चार अकाउंट बैंड हुए इंशाल्लाह, अभी पांचवा बनाया मैंने, हफ्ता ही हुआ है, तो इंशाल्लाह वापस अरूज पे आऊंगा, जलने वालों को और ही जलाऊंगा, और क्या करूंगा, उनका नाम ही जलना। इस बात पे भी बहुत मुश्किल है, करें एक शोर हो जाए, एक शेर हो जाए, शोर हो जाए, कह रही हूं शेर, जाते जाते एक शेर दे दें हेटर्स को। जलने वालों का जलना रोज का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल भी नाम था और आज भी नाम है, जियो। ये दादा सेम टू यू, सेम टू बोलो, कॉपी पे सेम टू यू वाला। तीन अकाउंट्स मेरे पहले बैंड हो गए, तुमने क्या काम किया, वो तो थाने में फोटो लगा रहा था उसके बैंड हो रहे। हमारे एक ही गैदरिंग है, शरारत में सारे साथ में बैठते हैं, तुम्हारी भी फोटो थाने में लगी हुई है। मुझे लग रहा है थाने वाले मुझे कहेंगे आके कि बंदे हमें दे दो, इनकी फोटो थाने में लगी हुई है, ये इधर क्या कर रहे हैं। तो दादा दरक्षा थाना नजदीक है, अच्छा क्लिफ्टन नजदीक है, तो बस यार खैर इन चीजों को बीच में नहीं लाए, मजाक, ये सब मजाक है, मजाक तक रहे, ये आपका भी शेर है, ऐसे इंसान काम क्यों करे जो फोटो थाने में लगने पड़े, एक शरीफ अच्छा इंसान को, समझ रहे हो ना। बिल्कुल समझ रहा हूँ, अभी तुम शरीफ बनो नहीं, मैंने बोल दिया है, नहीं शरीफ हम है, शरीफ बदमाश कब है यार, बदमाशी पसंद भी नहीं है, वो तो मुझे शक्ल से ही लगता है कि भाई वो दो तीन खून करके आया यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है मेरा बचपन से स्टाइल यही है, स्टाइल है। तो अच्छी बात है। तो गाइज आज हमारे साथ थे टीटी दादा और आशिक दादा, मौजूद थे हमारे शो पर, आए हुए थे, अपना वक्त दिया कीमती, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और हौसला रखो, बस शो ख़त्म होने वाला है, टाइम देती हूँ, फ़ोन भी बज रहा है, इधर उधर कॉल्स आती हैं कि भाई शो के दौरान मैं ये बता दूँ, मैं नहीं उठा सकती मैसेज, मैं दिखाऊँगी अगर इसमें वाइब्रेशन आ रही हो तो। गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल, साद हमारा बहुत अच्छा कैमरा मैन है, अकमल भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, और हमारी RNN न्यूज़ को आप सपोर्ट करें, और जो मॉर्निंग शो विद तारा आ रहा है भाई, व्यूवर्स बड़े कम हो रहे हैं, कहाँ गए फैंस देखने वाले, दादा इस पे व्यूज आने चाहिए, इंशाल्लाह आएंगे, आने चाहिए, हेटर्स को ही देखना, जो भी आएगा दुकान में मोबाइल पकड़ूंगा बस। ऐसे नहीं करो भाई, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, अल्लाह हाफिज़।